खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर नई राजनीति हुई है। सीलिंग के खिलाफ केजरीवाल और बीजेपी मिलकर लड़े, एलजी से मिले। इस मकसद से बीजेपी नेता दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं को आदर से बिठाया, बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन आखिरकार बहस के साथ ये बैठक खत्म हुई, हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच अरविंद केजरीवाल के घर में बैठक हुई, लेकिन यह बैठक विवाद में तब्दील हो गई, हंगामा हुआ। केजरीवाल के घर सीलिंग को लेकर गए थे बीजेपी के नेता दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ। दिल्ली में सीलिंग को लेकर बीजेपी केजरीवाल में विवाद कुछ इस तरह से हुआ कि केजरीवाल के घर जो बीजेपी नेता गए थे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, वो बैठक हंगामे के साथ खत्म हो गई। उसमें बहस हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच और जगह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। दिल्ली में सीलिंग के मामले को लेकर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी साथ आए, एलजी से मिले। इस मकसद से बीजेपी के नेता गए थे केजरीवाल के घर, लेकिन दिल्ली में सीलिंग को लेकर जो विवाद हुआ, केजरीवाल के घर जब बीजेपी के नेता गए, जो वहां बैठक हुई वो हंगामे के साथ खत्म हुई। दिल्ली में सीलिंग को लेकर बीजेपी केजरीवाल में विवाद, कोशिश ये की गई थी कि केजरीवाल के जो घर गए थे बीजेपी नेता उनसे बातचीत हो, लेकिन ये बातचीत हंगामे में तब्दील हो गई। हमारे दिल्ली के जितने सांसद हैं, बीजेपी के जितने एमएलए हैं, हमारे दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष, दिल्ली के तीनों मेयर्स और भाजपा के जितने अधिकारीगण हैं, वो सब लोग आए हैं। उनका मेरे निवास स्थान पे तहे दिल से स्वागत है। दिल्ली में जो सीलिंग की समस्या चल रही है उसको लेके सब लोग बहुत परेशान हैं, और उसी समस्या को चर्चा करने के लिए आज ये पूरा प्रतिनिधि मंडल आया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, और चूंकि ये समस्या किसी की निजी समस्या नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी समस्या नहीं है जो कि प्राइवेट में बंद कमरे में समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये बंद कमरे की राजनीति नहीं, आज इस देश के अंदर गड़बड़ की है। एक मिनट, मेरा ये निवेदन है कि जो भी चर्चा हो आमने सामने होनी चाहिए, चर्चा खुल के चर्चा होनी चाहिए, सारे मीडिया के सामने चर्चा होनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से गुजारिश है, मिलके मुझे दो मिनट सुन लो, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ, आप सबसे बोल देना, दो मिनट मेरी भी सुन लो, मेरे भी सुन लो। मेरा ये सर्विस, मुझे ये लगता है ये एक बहुत अच्छा अवसर है, जिस सुन तो लो, अरे बैठा के विजुअल भी तो दे दो, मैं कुछ दिख नहीं रहा सामने से, ये बंद कमरे वाली तो भी मिल ठंडा थोड़ा ठंडा सुझाव है। आज हम लोग बीजेपी के भी सारे सीनियर मोस्ट दिल्ली की लीडरशिप मौजूद है, और आम आदमी पार्टी के भी सारे लीडरशिप मौजूद है, आज यहीं बैठ के सारे मीडिया के सामने एक एक जो भी सीलिंग के मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पे चर्चा होती जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते जाए कि भाई ये तुम कर लेना, ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लेना, ये हम कर लेंगे, इस तरह से निकल सकता है। मैं इसको एक बहुत अच्छा अवसर मानता हूँ, और जो भी हम लोगों के बीच में सहमति बनेगी उस सहमति को हम सब लोग लेके फिर एलजी साहब के पास सारे। देखा आपने किस तरह से सीलिंग को लेकर साथ आने की जो कोशिश थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, वो विफल होते हुए दिखाई दी। केजरीवाल के घर पर जो बैठक जिसके लिए बीजेपी नेता साथ में मनोज तिवारी के पहुंचे, जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बातचीत हुई लेकिन विवाद में तब्दील हो गई। दिल्ली का सीलिंग विवाद क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम आपको बता दें, खान मार्केट जैसे पॉश इलाकों में भी सीलिंग का ये अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में 7 लाख व्यापारियों ने बाकायदा बंद किया था इस सीलिंग के खिलाफ। दावा यह है कि सीलिंग कार्रवाई के कारण हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पर सीधे मार पड़ी है। निर्माण के लिए एमसीडी से इजाजत लेनी पड़ती है, इस इजाजत के ना होने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई है। 2006 में सीलिंग से बचाने के लिए कन्वर्जन चार्ज की व्यवस्था हुई थी, और इस पूरे मामले पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं मनोज तिवारी, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं उन्हें। हमारे आपसे मिलने का कारण सिर्फ 3 पॉइंट का है,
हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जो 351 सड़कों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, 3 साल में क्यों कोर्ट में जाकर के आपको 2 साल का और समय मांगना पड़ा, और जो अनऑथराइज दिल्ली की ऑथराइज करने की बातें थी वो क्या हुई। ये 2 बातों पे आपसे जानकारी लेने आए हैं, हम विपक्ष में खड़े हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि इस पे आप जवाब दे दें। जहां तक एलजी से मिलने का सवाल है, हम जब चाहते हैं तब मिलते हैं और आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी मिलेंगे। हम इस देश की सारी एजेंसियों से मिलना चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, और हम आपसे ये भी प्रार्थना करने आए हैं कि इस मुद्दे पे भी आपको एक सेशन बुलाना चाहिए विधानसभा का, जिससे स्पेशली इसी की बात हो। और हमें आप बुला लीजिए, हमारे सभी सांसद मेयर भी, हमारे सभी एमएलए तो खैर रहते ही हैं, हम लोग बैठ करके वहां बहस करने को तैयार हैं, लेकिन दिल्ली की समस्याओं को दूर करने की बजाय हमेशा इस प्रकार के जो क्योस फैल जाते हैं इससे तो दिल्ली की जनता परेशान है, आप भी जानते हैं। हम आपसे आज सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारी 351 सड़कों का क्या पोजीशन है जिसको नोटिफाइड होना था, और अनऑथराइज दिल्ली को ऑथराइज करने का स्टेटस क्या है। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से सीलिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब सवाल जवाब का दौर शुरू है, और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कुछ सवाल भी पूछे। आज जब अरविंद केजरीवाल से मिलने गए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने आपको वो हिस्सा भी सुनाया जिसमें बाकायदा सवाल पूछते हुए मनोज तिवारी की जो गैर कानूनी सीलिंग है उसको कानूनी क्यों नहीं किया जा रहा है। हम आपको बता दें एक बड़ी संख्या में दिल्ली का व्यापारी वर्ग इससे परेशान है, बंद भी इसको लेकर के बुलाया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी दोनों इस सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथ आने की कोशिश करें, इससे पहले केजरीवाल के घर जो बैठक हुई उसमें सवाल जवाब का दौर हुआ। ये सीलिंग विवाद क्या है वो भी आप देखिए किस तरह से इसने बड़ा रूप ले लिया। दरअसल केंद्र 2006 में, हम आपको बता दें, दिल्ली में 7 लाख व्यापारियों ने बंद किया था इस सीलिंग के खिलाफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अवैध निर्माण के खिलाफ आदेश दिया था, जिसके बाद से केंद्र 2006 में दिल्ली स्पेशल प्रोविजन बिल लाया। बन चुकी अवैध इमारतें सीलिंग के दायरे से बाहर हैं, जुलाई 2014 तक का जो कंस्ट्रक्शन है वो इससे बाहर है। और हम आपको ये बता दें इसी सीलिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली बीजेपी के नेता पहुंचे, बातचीत हुई, बातचीत ठीक चल रही थी, लेकिन फिर कुछ सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, मामला गर्म हो गया और बातचीत बिगड़ गई। मामला बिगड़ा कहां देखिए आप। तो सही, मैं आपका जवाब तो दे दूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमें बहुत खेद और तकलीफ हो रही है कि सीरियस मुद्दे पर आपसे बात करने आए थे, लेकिन जिस तरह यहाँ सब हो रहा है मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के व्यापारी के लिए सीरियस नहीं है और सीलिंग को रुकवाने में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते रहे और दिल्ली बीजेपी के नेता अपनी बात कहकर वहां से निकल गए। आखिर में ये वाक्य कहते हुए बिजेंद्र गुप्ता कि लगता नहीं कि दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की वो गंभीर है सीलिंग व्यवस्था को लेकर। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उनके घर पर इस पूरे मामले को लेकर आखिर किस तरह से हंगामा हुआ आपको बता रही है एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा। मुद्दे पर जहां अरविंद केजरीवाल के घर में मनोज तिवारी अपने सांसदों और विधायकों के साथ पहुंचे, वहीं बिजेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि जिस सीरियस मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे वो मुद्दा अब सीरियस नहीं रहा है और अब वो उनसे बात नहीं करेंगे। और बीच में ही जो मीटिंग चल रही थी अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी और बाकी विधायक और सांसदों के बीच में, उसे छोड़कर वो वापस बाहर आ गए। बिजेंद्र गुप्ता मेरे मौजूद है, आपने कहा कि सीरियस मुद्दा है लेकिन उसको सीरियसली डिस्कस ही नहीं करना चाहते, भीड़ में ऐसे और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन वो अपने पूरे विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे आपसे बात करने के लिए। बैठेंगे हम यहाँ, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कहाँ बैठेंगे आप? यही यहाँ पर जो बिजेंद्र गुप्ता है जिनका ये कहना था कि सीरियस मुद्दे पर आए थे लेकिन बात नहीं करने दी, उनका ये कहना है कि अब वो यहाँ ही धरने पर बैठेंगे। उनका ये कहना है एलजी से मिलने वाले थे सभी लोग लेकिन अब वो नहीं बैठ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग अंदर गए, आप लोगों ने बात की लेकिन आप उसके बाद बाहर आ गए, बीच में ही छोड़। जो तरीका
जो तरीका केजरीवाल जी ने अपनाया वो असभ्य तरीका है। लेकिन आप लोग बीच में छोड़ के आ गए। हम छोड़ के नहीं आए, वो सीरियस नहीं था मुद्दे को, उसने यहाँ लोग बुला रखे नौटंकी करने के लिए और वो बदतमीजी करना चाहता है। सीरियस में कैबिनेट को बुलाता, हम लोगों को बिठाता। हम लेकिन आप ही लोगों ने मिलने का समय मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, हम क्या कर सकते मिले? आप मिले, आपके साथ मिले? नहीं 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 मिले ना, उसने अंदर 200 आदमी बैठा रखे हैं, पब्लिक के आदमी बैठा रहे, उनमें कैसे बात हो? प्रवेश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन आप लोग मिल के बाहर आ गए। यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो काफी बढ़ गया है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, मनोज तिवारी जो है वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आए थे, मेयर के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन आप जो बंदा कुमारी जी बीच में ही छोड़ के आ गए आम आदमी पार्टी से मुलाकात। हाँ, वो मुलाकात करने आए थे लेकिन उनको डर था, जो उनकी मीडिया के सामने उनकी सारी पोल खुलने वाली थी, आज वो डर के भाग गए, वो बात करना ही नहीं चाह रहे थे। अरविंद जी के उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारे मुख्यमंत्री जी का जवाब ही नहीं सुना। दो सीरियस पार्टीज है, उसके बीच में इतना बड़ा हंगामा, क्या आपको लगता नहीं कि दो कल्चर पार्टियों के बीच में ये हंगामा? नहीं, हंगामा कुछ नहीं हुआ। अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा जो कि बैठिए, हम जो बात करना चाहते हैं, हम दिल्ली की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, व्यापारियों का समाधान चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सारी बातों करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद कमरे में बात करेंगे, तो बंद कमरे में क्यों करना था? मीडिया को बुलाने की क्या जरूरत थी? बात मीडिया को बुलाने के लिए बात ये थी कि व्यापारियों का समाधान खुलती, इनकी जो करतूत है, एमसीडी की वजह से सीलिंग हो रही है, डीडीए की वजह से सीलिंग हो रही है, ये इनको मीडिया को पता चलना चाहिए। बीजेपी के यदि बीजेपी सीरियस होती तो उनके सभी सांसद आते, चार सांसद नहीं आए इनके, एक मेयर नहीं आई, बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये लाइव चल रहा है आपके सामने। आप लोगों के दो सीरियस पार्टी के बीच में इस तरह से इमेचोरिटी हम लोगों ने देखी है सर, ये बहुत ही दुखद है। इतने सीरियस मुद्दे के ऊपर इनके तो चार एमपी नहीं आए, पहली बात, इनमें एका नहीं है, इनमें एकता नहीं है, इनका एक मेयर नहीं आया, मुद्दे पे चर्चा करने के बजाय ये बदमाशी करने आए थे। जिस तरह से इन्होंने बदमाशी किया है क्षेत्र के आज अंदर आकर, लेकिन आपको लगता नहीं कि दो पार्टियों के बीच में मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, शांति से बात होनी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे लोगों को बुलाया, सारे विधायकों को बुलाया? अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के जो सारे प्रतिनिधि हैं आज सबको बुलाया गया, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पार्षद। आप जानते थे कि इतना बड़ा हंगामा हो सकता है? नहीं, हंगामा की जरूरत थी नहीं। तो देखा आपने किस तरह से सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। कहा तो एक दूसरे का साथ लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, उनकी तरफ से सांसद ही नहीं पहुंचे, और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही बात किए जा रहे थे, हमारी नहीं सुन रहे थे। ये पूरा विवाद सीलिंग को लेकर अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका हिस्सा हमने आपको दिखाया, जहां अरविंद केजरीवाल बोलते रहे और बीजेपी नेता उनकी बिना सुने वहां से चले गए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।